एशिया चैलेंज पाई प्रस्तुत भारतीय टीम 70 जनिया दल घोषणा करिछि बीसीसीआई। कमब्याक करिछंति अनेक स्टार खिलाड़ी। बुमरांग उपरे रहिबो समस्तक नजर। एशिया कप पाई किछि दिन तले दल घोषणा करिछि बीसीसीआई। दल को अनेक खिलाड़ी प्रत्यावर्तन करथवा बळे किछि स्टार खिलाड़ी मध्य बात पड़िछंति। चारि फास्ट बोलर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद सामी एवं प्रसिद्ध कृष्णा दल को कमब्याक करिछंति। दीर्घ दिन हेब आहत कारण टीम्रु दूरे रही दुई मध्यक्रम बैटर श्रेयस आयर और केएल राहुल आहत समस्या मुकुली कमब्याक करिछंति। युव बैटर तिलक वर्मा नुआ मुह भाव सामिल होता बेले पुणि थे दल रु बाद पड़ते यजुवेंद्र चहल। निश्चित भाव गोटे शुभ संकेत दल पाई जमती कि आप देखुंट बुमरा बैक कर अधिनायकत्व करते टी ट्वेंटी भल कर सबुठ बड़ कथा से लयरे लगुं फिट लगुंस प्रसिद्ध कृष्णा जो से थ्री तीन टा जाक फर्माट पाई जदि गोटे बोलर जहाँ निकट में कैलिवर रही है प्रसिद्ध कृष्णा ताकूँ तांगे आपणकर बोलींग डिपार्टमेंट सिराज और सामी रही तेणु गोटे भल पेस बाइन रही है संतुलित दल चयनकर्ता मैंने सिलेक्ट कर एशिया कप कारण विश्वकप को आखि आगे रखे चयन कर। अंपटे सूर्य कुमार दल ने चयन को नहीं अनेक चर्चा चली। टी ट्वेंटी फर्माट्रे विश्वर एक नंबर बैटर किंतु दिनिकिया से बारंबार फेल होती सत्वे एशिया कप दल में स्थान मिलवा अनेक चकित कर। सूर्य स्थान में स्टैंड बाय थिबा संजू सैमसन को दल में सामिल करने दावी उठी। संजू सैमसन को न खेल आउट एवं रिजन हो पारे कि आम तीन टा विकेट कीपर हो पारती कहीं ईशान किशन भी स्क्वाड्रे अच्छा केएल राहुल भी आम स्क्वाड्रे अच्छा तो दी थर्ड विकेट कीपर जस्ट फॉर स्टैंड बाय रखियार गोटे कारण आम टॉप ऑर्डर तो जमी लास्ट पांच वर्ष होगा से ही रही कि विराट कोहली नंबर थ्री आसवे आउ फास्ट दीटारे आम रोहित शर्मा जी भी ओपन करेंगे गिल करूँ कि ईशान कर दीज ही डबल सेंचुरी अच्छा आम जो स्टेबिलिटी मिलू एथरक नो डाउट एथर गोटे पॉजिटिव रोचे। होम ग्राउंड में दिनिकिया क्रिकेट विश्वकप खेल या पूर्व एशिया कप बहुत गुरुत्वपूर्ण दीर्घ दिन आंतर्जातिक क्रिकेट रु दूरे रही खिलाड़ी अभ्यास करने सहित विश्वकप प्रस्तुत हो पारे। भुवनेश्वर सुशांत साहू को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। ओडिशा साहित्यर माटी ओडियांक रक्तरे साहित्य साहित्य ही समाज प्रतिबिंब। गल्प कविता प्रबंध रम्य रचना और अनुवाद साहित्यर एमिति अनेक कृति को नहीं आमर ए विशेष कार्यक्रम कथा साहित्यर।